हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने रखा सस्पेंस, किसको मिलेगा टिकट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके चुनाव प्रचार में भी लग गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ 3 ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा में कांग्रेस अपने दावेदारों को उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर एक बार फिर से पार्टी ने अजय भट्ट पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाया है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाते हुए इस चुनाव में मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती अपने नेताओं को पकड़कर रखना है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ऐसे में प्रचार करने के बजाय विचार कर रही है। टिहरी सीट से पार्टी आलाकमान ने ज्योत सिंह गुनसोला को टिकट दिया है, जिनके सामने माला राज लक्ष्मी शाह और बॉबी पवार की चुनौती होने वाली है। बताया जा रहा है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार भी टिहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदीप टमटा पर भरोसा जताया है, जिनके सामने पिछले 2 लोकसभा चुनाव के विजयी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अजय टमटा की चुनौती होने वाली है। और गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने कद्दावर नेता गणेश गुदियाल को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि गणेश गुदियाल को जमीनी नेता कहा जाता है, क्योंकि वो लगातार जन मुद्दों से जुड़े रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को प्रत्याशी घोषित किया है, जिस वजह से गढ़वाल सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर कई दिनों से सस्पेंस रखा है, जिस वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद को उत्साहित नहीं कर पा रहे। और उधर बीजेपी ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, इस बार उत्तराखंड की 5 सीटों में कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।